हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। और फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम पहले ही वीडियो के माध्यम से आप बता चुके थे कि जो भी बच्चे डी फार्मा कोर्स कर रहे हैं, यानी डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं, तो उन सभी को क्या है कि 22 बैच के बाद अगर आपने एडमिशन लिया है तो एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही अगर आप कोई दवा दुकान खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं, या किसी भी फार्मा कंपनी में काम करना चाहते हैं, या कहीं भी गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहते हैं, तो कहीं भी आपको रजिस्ट्रेशन जब प्राप्त करने के लिए एग्जिट एग्ज़ाम पास करना होगा। तो जो भी बच्चे 2022 के बाद ये एडमिशन लिए हुए हैं, 2022 सेशन या 23 सेशन या इसके बाद कभी भी एग्ज़ाम लेंगे, तो उन सभी को एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। तो इसको लेकर यहाँ पे नोटिस जारी हो गया है। साथ ही साथ जो बच्चे बी फार्मा भी कर रहे हैं उन लोगों को भी अभी तो एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, मगर आगे समय में उन लोगों को भी एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा, संभावना बन रहा है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाला है, रियल और फैक्ट के साथ। हाल ही में अभी पटना में बच्चों के द्वारा धरना प्रदर्शन रैली किया गया कि जो एग्जिट एग्ज़ाम रूल है इसको हटाया जाए। ठीक है, तो इसको लेकर न्यूज़ में पूरा अच्छे से विस्तार से सारा चीज़ बताया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा आप लोग देखें जिससे कि सारी जानकारी आप लोगों को विस्तार ढंग से हो सके। और जो भी डाउट्स है या आपकी इस पर कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और डी फार्मा बी फार्मा जब से रिलेटेड या इससे संबंधित न्यूज़ हम वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएँ। और फ्रेंड, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें कि उन लोगों को भी ये जानकारी हो सके। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये प्रभात खबर के न्यूज़पेपर से यहाँ पे कुछ बातें दी गई है। सबसे दिया गया कि फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन के लिए देनी होगी परीक्षा, यानी कि आप डी फार्मा कोर्स कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए एग्जिट एग्जाम देना होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं ये 7 अप्रैल 2024 का न्यूज़पेपर का कट है, दैनिक भास्कर के। यहाँ पे देखिए साफ दिया गया है, छात्रों को रजिस्ट्रेशन के लिए अब एग्जिट परीक्षा पास करना जरूरी। ठीक है, तो ये हाल ही के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, मगर हम पहले भी बहुत एक साल से पहले से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताते आ रहे हैं कि आप लोगों को अब एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। अब यहाँ पे सारा चीज़ अच्छे तरह से दिया गया है, वो चीज़ें आपको बताते चलते हैं जिन बच्चों को पता नहीं है उन लोगों को पता चल सके। तो देखिए यहाँ पर क्लियर किया गया है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा के डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन के पहले परीक्षा पास करनी होगी, यानी कि आपने डी फार्मा कोर्स कर लिया उसके बाद आपको क्या करना होगा, एग्ज़ाम देना होगा, एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद अगर एग्जिट एग्ज़ाम पास करते हैं तभी आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा और आप रजिस्टर हो जाएंगे, कहीं भी आप अपना दवा दुकान खोल सकते हैं या किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, फार्मेसी काम कर सकते हैं या फार्मा से रिलेटेड जो भी बहाली वगैरह आता है तो उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे दिया गया है कि परीक्षा पास करने वाले डी फार्मा डिग्री वाले विद्यार्थियों का ही फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा की तिथि भी घोषणा कर दी गई है। तो देखिए जो भी बच्चे 2022 में एडमिशन लिए हैं उन लोगों ने 2024 में अपना तो सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम पास कर लिया है, अब उन लोगों का जो एग्जिट एग्ज़ाम होना तय हो गया है। और यहाँ पर डेट भी जारी कर दिया गया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया 5 और 6 अक्टूबर का आप लोग को पूरे देश भर में एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, एग्जिट एग्ज़ाम दो दिन होगा, एक 5 और 6 अक्टूबर को। ठीक सकते हैं, यहाँ पर सारा डेट क्लियर कर दिया गया। ठीक है, और ये जो आप है नेशनल नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड करके सारा पीडीएफ को अच्छे तरह से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि जो परीक्षा होगा आपका ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन आपकी एग्जाम होने वाली है। उसको दिया गया है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डी फार्मा पास विद्यार्थियों को फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अब एग्जिट एग्जाम के परीक्षा में पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, ये बात यहाँ पे दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट दिए गए, 2024 में उत्तीर्ण छात्रों को पास करना होगा एग्जिट एग्जाम, यानी कि 2022 में आपने एडमिशन लिया, 2024 में आपका 2 साल का डिग्री है तो कंप्लीट हो रहा है, 2024 में अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आप लोग को एग्जिट एग्जाम देना होगा। ठीक है, अगर इसके पहले यानी कि आपने अगर 21 सेशन में लिया है या 20 सेशन में एडमिशन लिया है तो उन लोगों को बच्चों को रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एग्जिट एग्जाम नहीं देना होगा, यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। 22 के बाद आपने किसी भी सेशन में 22 के बाद 22 में लिए हैं या 23 में ले रहे हैं या इस बार 24 में लेंगे या इसके बाद अगर आप सेशन में किसी भी सेशन में लेंगे तो आप लोगों को परीक्षा देना होगा। ठीक है, अभी बी फार्मा वाले बच्चों को क्लियर नहीं किया गया कि एग्जिट एग्जाम देना होगा, मगर उन लोगों भी नेटिस है कि आ सकता है और उन लोगों को भी संभावना बनता है कि एग्जिट एग्जाम दिया जाएगा लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया डी फार्मा एग्जिट एग्जाम राष्ट्रीय चिकित्सक विज्ञान परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित किया जाएगा। तो यहाँ पे किस बोर्ड के माध्यम से एग्जाम लिया जाएगा तो इसके बारे में दिया गया कि आपका जो एग्जाम होगा राष्ट्रीय चिकित्सक विज्ञान परीक्षा लेगा। ठीक है, ये बोर्ड जो है इसी के द्वारा संचालित किया जाएगा, यही आपका क्वेश्चन सेट करेगा। फरवरी 2023 में PCI द्वारा डी फार्मा
कि सत्र 2022-24 में पढ़ रहे छात्रों को फार्मासिस्ट निबंधन के लिए एग्जिट एग्जाम में पास करना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये 2023 में ही न्यूज आ चुका था, आप लोगों को बताया था हम वीडियो के माध्यम से कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। उसका दिया गया कि बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल के जो सदस्य है, ठीक है, अभी तो बिहार फार्मेसी काउंसिल का गठन हो चुका है, उसके सदस्य चुनाए चुके हैं, मगर इसका जो सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जो ऑफिस चाहिए वो अभी नहीं किया गया है, सिर्फ सदस्य चुन दिया गया है। तो सदस्य जो चुने गए हैं उसमें जो काउंसिल के सदस्य में हैं अर्जेश राज ने, उन्होंने बताया है कि फार्मेसी शिक्षा में गुणवत्ता के लिए ऐसा किया गया है, यानी कि फार्मेसी का जो शिक्षा हो वो अच्छा बेहतर हो सके, साथ ही साथ वर्तमान में दवा दुकानों को दवा वितरण प्रणाली में सुधार, फार्मेसी प्रैक्टिस से रेगुलेशन आदि के संचालन के लिए एग्जिट एग्जाम जरूर हो गया है। तो ये बात ये बिहार के फार्मेसी काउंसिल के सदस्य हैं उन्होंने ये बात कहा है। अभी इसके फार्मेसी काउंसिल जो बिहार के, इसके बारे में हम कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाकर बताए हैं, तो आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं क्या क्या चीज़ उसमें दी गई है। तो वही बात यहाँ पे इस न्यूज़पेपर में दिया गया, तो सेम सारी बातें घुमा फिरा कर आप लोग को यहाँ पे बताया गया, तो साफ क्लियर हो चुका है। तो देखिए जो भी बच्चे 2024 में एग्जिट एग्जाम देने वाले हैं वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।